तुम अभी तक क्लासेस नहीं गए? बस जा ही रहा था। ओके, कब से एग्जाम्स? आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, बहुत पढ़ना है। कैसी लगी आपको भाभी आपकी? भैया बस क्या। शर्मा रहा। अच्छा आपको आपका देवर कैसा लगा ये बताइए। बहुत प्यारा है। अच्छा आपको एक बात का इनका खास ख्याल रखना है कि खाना बनाते वक्त मुझे कम घी वाली रोटी और इन्हें ज्यादा घी वाली रोटी चाहिए, वो भी कड़क। Just don't worry. मैं तुम सबकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखूंगी। And I mean it. Thanks. भैया मुझे क्लासेस जाने बहुत देर हो रही है, भाभी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। सेजल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और हमारे घर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी फर्क है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूं, सुखी रखूं। ट्राई माय बेस्ट। आनंद तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बस तुम मेरे साथ हमेशा रहना। आई विल बी देयर, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग आनंद। मेरी बेटी कहाँ है? बेटी? मैं कुछ समझा नहीं। आनंद मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, और यहाँ भी मुझे वही चाहिए। अब मैं अपनी लाइफस्टाइल बदल तो नहीं सकती ना। देखो सेजल, अब तुम्हें मेरे घर में रहना है, और तुम तो जानती हो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे घर में बेटी जैसा तो कोई रिवाज ही नहीं है। हाँ अगर तुम्हें चाय चाहिए तो तैयार हो जाओ, उसके बाद चाय बना के पी लो, और एक कप मेरे लिए भी। आनंद तुम जानते हो ना मुझे ये सब काम करना अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। देखो सेजल, मेरे घर में ये सब मुमकिन नहीं है, यहाँ सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। और हाँ वैसे भी अब मेरे घर को, मेरे परिवार को तुम्हें ही तो संभालना। हाँ आनंद, लेकिन जब तक मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस घर में तो एसी भी नहीं है, जानते हो मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई थी। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। देखो सेजल, अब घर में बैटरी ना मिलना, एसी ना होना, ये सब कोई प्रॉब्लम्स थोड़ी है, और फिर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में आती ही रहेंगी। अब ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सामना अब हमें मिलकर करना होगा, और अगर तुम ऐसे करोगी तो अब कैसे चलेगा हमारा घर संसार। कम ऑन आनंद प्लीज, सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दो, जैसे ही बेटी न मिलने की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। आनंद तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं, आज तक तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। सेजल तुम कहना क्या चाहती हो? आनंद मैंने तुमसे कहा था मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती, फिर भी तुमने कोई भी इंतजाम नहीं किया है। आनंद मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी जरूरतों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। आनंद सेजल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहिए, ये मेरा फर्ज है, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सेजल तुम मेरी कंडीशन जानती हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। अब कल को तुम मुझसे बोलोगी कि तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो ये सब कुछ मैनेज कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आनंद ये सब मैं नहीं जानती, मुझे इन सब चीजों की आदत है बचपन से। नाउ आई डोंट केयर, ये सब तुम्हें मैनेज करना होगा। नहीं सेजल, ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें शादी के पहले सारी बातें क्लियर कर दी थी, मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, और उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम हर हालत में मेरे साथ एडजस्ट करोगी, कहा था कि नहीं? और जब से हमारी शादी हुई है और जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। सेजल देखो, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मेरे ख्याल से हमारे बीच ये प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा।
हेलो हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। सेजल कैसी है तू? ससुराल जाके तो हमें भूल ही गई। कितने दिनों के बाद घर पे फोन किए? ससुराल भी बिजी थी क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तू बता, तेरी तबीयत कैसी है? आनंद कैसा है? हाँ सब मजे में है मुझे छोड़ के। क्यों, तुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मामा इस घर में तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स हैं। ना मुझे बेड टी मिलती है, ना इस घर में एसी है। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, और जब तक मैं नींद से उठती हूँ तब तक तो पानी भी चला जाता है। बेटा ससुराल में जाके ये सब करना ही पड़ता है। मैं भी जब इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो मैं भी ये सब किया था। ये तो अब तेरा कर्तव्य है। हाँ मामा, लेकिन मेरे ससुराल वालों को भी मेरा ख्याल रखना चाहिए ना, मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं रखना चाहिए उन्हें? सेजल, ससुराल में तुम्हारे खुद की जरूरतों से ज्यादा घर के बाकी लोगों की जरूरतों पे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उस घर में तुम्हें बेड टी नहीं मिलती, एसी नहीं है, ये तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा दोष भी नहीं है ना? आनंद से शादी करने का फैसला सिर्फ तुम्हारा था, और अब तुम्हें आनंद के साथ, उनके परिवार वालों के साथ तुम्हें जिंदगी बितानी है। बेटा जिंदगी में ऐसे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो मेरी बात सुनो, प्लीज ट्राई एंड एडजस्ट, सब ठीक हो जाएगा। नो मॉम, दैट इज इम्पॉसिबल। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो सेजल, अगर तुम अपने ससुराल वालों की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मम्मी मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, अब आप ही बताइए, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं किसे बताऊं? मेरी तकलीफों को उस घर में समझने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन तुम्हें वहाँ क्या प्रॉब्लम है? मम्मी मैंने आपको फोन पर भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, इस घर में मुझे जो फैसिलिटीज मिलती थी उस घर में नहीं मिलती। उस घर में पानी गर्म करने के लिए बॉयलर या हीटर तक नहीं है। वहां पर सुबह जल्दी उठकर पानी गैस पर गर्म करना पड़ता है, और अगर सुबह जल्दी ना उठूं तो तब तक पानी चला जाता है। और तो और मम्मी वो घर इतना छोटा है कि कोई प्राइवेसी ही नहीं है। देखो सेजल, मैंने तुम्हें फोन पर भी कहा, अभी भी कह रही हूँ, तुमने मुझे अभी अभी जो बताया वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन छोटी छोटी बातों लेकर तुम नाराज होने लगोगी तो आगे चलकर क्या होगा? अभी अभी शादी की है आनंद, एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और अगर तुम्हें अपनी जरूरतों का इतना ही ख्याल था तो ये सब शादी के पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। सेजल, तुमने खुद आनंद से शादी की है, तुम्हें अब उसी माहौल में रहना होगा, सो यू विल हैव टू लर्न टू एडजस्ट। नो मम्मी, I can't adjust. I just can't. ये मेरे लिए नामुमकिन है। सेजल। क्या बात है गायत्री? नहीं नहीं कुछ नहीं, इतने दिनों के बाद घर आई है ना, हमें मिस कर रही होगी। गायत्री से कहो कि इस घर को, इस घर के लोगों को और अपने माँ बाप को भूल जाए, उसे मिस करना बंद कर दे, क्योंकि शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर है और उसके सास ससुर ही उसके माँ बाप है। भूल जाए हमें।